फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन। चाहे आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना हो या फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह लेसन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ड जस्ट का सही इस्तेमाल क्या है, यानी किन किन कंडीशन में आप जस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको जस्ट का 4 इस्तेमाल बताऊंगा, जिसे सीखकर आप अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जस्ट का यूज हम तुरंत या अभी अभी के लिए करते हैं। जैसे अगर लिखा हो वह अभी अभी गया है, तो आप वर्ड अभी अभी के लिए जस्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप कहेंगे ही है जस्ट गॉन। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं तुरंत खाया हूँ, तो आप कहेंगे आई हैव जस्ट ईटन। तो फ्रेंड्स, आपने यह देखा कि वर्ड अभी अभी या तुरंत के लिए वर्ड जस्ट का इस्तेमाल हुआ। फ्रेंड्स, जस्ट का दूसरा इस्तेमाल हम केवल या सिर्फ के सेंस में करते हैं। जैसे तुम केवल एक डॉक्टर हो, तो आप कहेंगे यू आर जस्ट अ डॉक्टर। तो फ्रेंड्स, आपने यह देखा कि यहाँ केवल के लिए मैंने लिखा जस्ट। अगर आपको कहना हो वह केवल मेरी दोस्त है, तो आप कहेंगे सी इज जस्ट माई फ्रेंड, यानी वह सिर्फ मेरी दोस्त है या केवल मेरी दोस्त है, दोस्त के सिवा और वो कुछ नहीं है। तुम सिर्फ मेरे पड़ोसी हो, तो आप कहेंगे यू आर जस्ट माई नेबर। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि मैंने सिर्फ के लिए जस्ट का इस्तेमाल किया। जस्ट का इस्तेमाल केवल या सिर्फ के लिए करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब तीसरा इस्तेमाल देखें। फ्रेंड्स, जस्ट का एक मतलब न्यायप्रिय या इंसाफ पसंद भी होता है। जैसे अगर आपको कहना हो वह न्यायप्रिय राजा था, तो आप कहेंगे ही वॉज अ जस्ट किंग। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यायप्रिय और उसके लिए आपने लिखा जस्ट। वह इंसाफ पसंद औरत थी, तो आप कहेंगे सी वॉज अ जस्ट लेडी। न्यायप्रिय या इंसाफ पसंद के लिए आप जस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह एक इंसाफ पसंद पुलिस वाला था, तो आप कहेंगे ही वॉज अ जस्ट पुलिसमैन। वह एक न्यायप्रिय जमींदार था, तो आप कहेंगे ही वॉज अ जस्ट लैंडलॉर्ड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि जस्ट का ये यूज आपको समझ में आया कि जब आपको कहना हो न्यायप्रिय या इंसाफ पसंद, तो आप वर्ड जस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट का इस्तेमाल मेन वर्ब के पहले, नाउन के पहले या फिर एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। आइए फ्रेंड, जस्ट का अंतिम यूज देखते हैं। जस्ट लाइक मीन्स के जैसा। जैसे अगर आपको कहना हो तुम अपनी मम्मी के जैसा हो, तो आप कहेंगे यू आर जस्ट लाइक योर मॉम। तो फ्रेंड्स, जब जस्ट के साथ लाइक लिखा जाता है, तो उसका मीनिंग होता है के जैसा। आप खली के जैसे हो, यू आर जस्ट लाइक खली। आप अपने भाई के जैसे हो, यू आर जस्ट लाइक योर ब्रदर। आप एक बंदर के जैसे हैं, यू आर जस्ट लाइक अ मंकी। मैं अपने पापा के जैसे हूँ, आई एम जस्ट लाइक माई डैड। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि वर्ड जस्ट का इस्तेमाल आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई इस लेसन को आपने सीखा, तो क्या इस टॉपिक पर 4 सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं देख सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।